और निखिल हेलो गाइस करते इधर करते हेलो गाइस। निखिल गिरने वाला, निखिल का हो गया बैंड। ब्लॉग हमने करा नहीं कंप्लीट, तो बीच में एडिट में आप देख लेना। और आप व्यू देखो सबसे पहले यहाँ का, हेलो गाइज कैसे हो, आई थिंक आप सब बढ़िया हो गए। गाइज मेरी ना तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है, बहुत ज़्यादा वाली, क्या बताऊँ मैं आपको, उल्टियों पे उल्टियाँ आ रही है। मतलब ट्रिप ना मेरी तो बिल्कुल ही ख़राब हो गई है। आपको आप लोगों को ना सीरियसली यार, आपको मेरी एक्चुअली आँखें देख भी पता चल रही होगी, है ना। मतलब क्या बताऊँ, आपको एक व्यू दिखाता हूँ, आपको देख रहे हो कितना शानदार व्यू है। देखो ये देखो गाइस, हमारी लड़कों की टोली देख लो आप। ये एंजॉय करते हैं पूरे, अगर ये टाइम पे ना करते तो हमारा टूर ना बनता आज। गाइस मैंने ना एक्चुअली क्या हुआ, उल्टी आ रही थी मेरे को जबरदस्त वाली। तो क्या किया मैंने, ले ली गोली, आज चलता रहा ना, मैंने ना गोली ले ली जबरदस्त। और उसके बाद ना मेरा इतना बुरा हाल हो गया ना, इतना बुरा हाल कि नींद पे नींद आ रही जा रही है। और उसका 6 से 7 घंटे का इफेक्ट रहता है गोली का, 6 से 7। और थोड़ी देर सोने वाले हैं, मैं दबा के सोने वाला हूँ सीरियसली। मेरे घर वालों को फोन आया, घर वालों को लगी फिकर। और अब मेन सीन है, अब हम यहाँ पे है आई थिंक बद्रीनाथ से ना आई थिंक 150 किलोमीटर दूर है। 150 किलोमीटर पहुँचने में हमें आई थिंक अभी कितने बज रहे हैं, कितने घंटे अभी, तो अभी टाइम 10:48 हम पहुँचेंगे, 10:40 हो रहे हैं, 4 बजे। हाँ वही 3:30 बजे तक पहुंच जाएंगे। अभी ड्राइवर साहब से मेरी बात हुई है, वही पर सच्ची बताओ अब बैंड बज गया है यार, सीरियसली यार आदत नहीं है ना इतना लंबा ट्रैवल करने की। और उसके बाद अभी वहां जाएंगे और वहां पे दिखाएंगे आपको कैसा व्यू, क्योंकि बीच बीच में शॉट ले रहे हैं, क्योंकि जैसा सोचा था ना वैसा ब्लॉग नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि खोज पोच भी बहुत ज्यादा हो रही है, दिमाग भी बहुत ज्यादा खराब हो रहा है। जो पता है मेरे को, और पता गाइस लोगों को मेरी शक्ल भी दिख रही है, आंखें भी नहीं खुली क्योंकि नींद इतनी ज्यादा आ रही है, और ऊपर से धूप है पूरे के पूरे। हाँ ऐसा लग रहा है, भी नहीं खुली धूप है। और आप पीछे का व्यू देखो, ये देखो, और देखो पीछे गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा देखो, गुरुद्वारा, ये देखो गुरुद्वारा देखो आप भाई, देखो गुरुद्वारा है यहाँ पे, ये है अपना दमदमा साहब गुरुद्वारा, साहब गुरुद्वारा है। सो अभी सब चाय वाय पीने के लिए रुके हैं, ये देखो यहाँ पे हमारी तरपाल लग रही है, हो सकता है बद्रीनाथ में बारिश पड़ रही हो, तो उसके लिए प्रिकॉशन चल रहे हैं सारे। -3 टेम्परेचर है वहाँ। हाँ आई थिंक वो रात का ही है, दिन में तो थोड़ा मौसम सही रहेगा। तो आप देखते हैं कि हम आज रात को दर्शन करते हैं वहाँ पे, आज रात को दर्शन करते हैं या फिर हम कल मॉर्निंग में करेंगे, क्योंकि अब जाके मैं तो सोने वाला हूँ, एक दो उल्टी मार रहे हैं। हाँ ये निकल जाएगा अपना, मैं जाके सोऊंगा और फिर जाके अब कंटिन्यू करेंगे और फिर दिखाएंगे हम आगे क्या क्या करते हैं क्या नहीं करते। गाइस इस आदमी का ना पूरे 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 ट्रैवलर में यही हाल रहा है इस आदमी का। भाई मैं उठा हुआ था ठीक है, ये देख रहे हो, ये बंदा ये सो रहे थे ठीक है, ना बड़ा औखा है यार, औखा है ना, बड़ी दूर जा रहे हैं एक्चुअली। और ऋषिकेश से ना 390 किलोमीटर दूर जा रहे हैं बद्रीनाथ। हाँ और उल्टी आ रही है, और आपको थोड़ा बैकग्राउंड म्यूजिक में ना थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा यार, थोड़ा फैमिली प्लानिंग चल रही है, और मेरे थोड़ा फैमिली चल रहा है तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना ठीक है। और आंखों पे देखो यार आगे से, पता नहीं क्या नशे कर रखे तगड़े तगड़े, इतनी ज्यादा इनकी आंखें देखो, देखो नींद आ रही बड़ी ज्यादा, अरे बड़ी नींद आ रही बहुत ज्यादा। हां जी गाइस पता है बैंड बज गया, आते आते ना हालत खराब हो गई है। अब आपको देख के पता लग रहा होगा कितनी ज़्यादा थकान हो गई है, 8 घंटे ना ऋषिकेश से या बद्रीनाथ आने में लग गए हैं, हार्डली हम 30 मिनट या 35 मिनट में पहुंच जाएंगे, बात तो यही कर रहे हैं। अभी गूगल पे भी चेक किया है कि आने आने में ना टाइम लग जाएगा। बाकी आप सबसे पहले ना पीछे का व्यू देखो कितना शानदार है ना, एकदम नेक्स्ट लेवल वाला काम होने वाला है, नेक्स्ट लेवल वाला। सो वर्ड्स तो मुझे मिल नहीं रहे, क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ, बस आप व्यू एंजॉय करो जैसा व्लॉग बन रहा है ना, होप सो आपको अच्छा लगेगा। तो जैसे ही 30 से 35 मिनट में बद्रीनाथ पहुँचते हैं ना फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ। गाइस चेक करो आप माउंटेन, बद्रीनाथ ना हम बस पहुँचने वाले हैं थोड़ी देर में,
हार्ड लेना, 20 या 25 मिनट में पहुंच जाएंगे। छोटा सा पंगा हो गया, पता क्या हुआ हमारा ना, एक्चुअली बताना नहीं चाहिए था, चलते चलते ना हमारा हो गया टायर फिस। दिखाऊँ आपको, ये देखो ये पता किसके चक्कर में, रोहित भाई के चक्कर में, रोहित भाई बैठे हुए यहाँ बैक कर रहे पीछे हमारा ना टायर हो गया फिस, तो ये सब निखिल के कारण हुआ है। इनके चक्कर में ये बैठे हुए सो रहे थे, इनका वेट लगा टायर फट गया। पर दिक्कत ये होगी, जहाँ मैं बैठा था साला उसी तरह का टायर पंचर हुआ है। अब इस मामले में अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, मैंने सही बोला ना इनके वेट। अच्छा आपको एक चीज दिखाता हूँ, आपको एक चीज दिखाता हूँ, ये देखो व्यू देखो, देखो बर्फ देखो, कितना शानदार लग रहा भाई। पता क्या हो गया, अब हम मुझे नहीं पता ये ब्लॉग कैसे स्टार्ट हुआ कैसे नहीं हुआ, तो थोड़ा सा ना मैनेज कर लेना हमने, क्योंकि ना हमने ना मैच स्टार्ट कर दिया है। अब हेलो गाइस बोला है नहीं बोला, क्योंकि बीच में कट लगे हैं, क्योंकि नींद खुल रही थी ब्लॉग स्टार्ट हो जाता था, नींद बंद हो जाती थी ब्लॉग बंद हो जाता था, पता नहीं कभी बार स्टॉप किया कभी बार ऑन किया, नहीं पता चल रहा कुछ भी। और अभी भी हमें 2 घंटे, 1.5 से 2 घंटे लग जाएंगे पहुंचने में मिनिमम। अभी जरा आज ना निखिल ने सबके लिए ना पास्ता बनाना है, तो अभी यहाँ से इसने ना मार्केट से कौन सी जगह हाँ जोशी मठ हम रुके हैं, जोशी मठ से ना हमने सब्जियाँ ली हैं, निखिल ने बनाना है पास्ता, तो रात को जो पास्ता बनाएगा वो हम खाएंगे, क्योंकि रात का हम बाहर का अवॉइड ही कर रहे हैं, सब अपने घर से बना के लेके आए हैं। ठीक है, तो देख लो यहाँ भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे पास्ता के लिए। तो वो खाने के बाद ना फिर हम 2-2.5 घंटे पहुँचने के बाद जब हम बद्रीनाथ पहुँचेंगे, तो पता नहीं आज रात को दर्शन करने उसके बारे में भी कुछ नहीं, कोई प्लान नहीं है। हाँ, कुछ नहीं पता, या तो कल होगा या तो आज होगा, फिर उस हिसाब से प्लानिंग होगी सब चीज़ों की। हाँ, तो जब तक एंजॉय करो आप यू। पार्ट टू नहीं, पार्ट एक में ही सारा ब्लॉग निकलेगा, एक ही मिलेगा, तो थोड़ा एंजॉय कर लेना, क्योंकि हमारे लिए भी नया रूट है, मेरे लिए स्पेशली, मेरे लिए निखिल की शक्ल देखो यार इनकी शक्ल। अरे यार मतलब बैंड बज गया, पर एंजॉय पूरा चल रहा है और आप लोगों का एंटरटेनमेंट पूरा चलता रहेगा एंड दिल्ली तक, कोई मजाक नहीं, दिल्ली तक पूरा एंजॉय चलता रहेगा। हाँ, तो अभी ना कट कर रहा हूँ, क्योंकि बैटरी जा रही है, अगर थोड़ी सी बची होगी तो फिर कंटिन्यू करेंगे। इसलिए और निखिल हेलो गाइस करते इधर करते, हेलो गाइस निखिल गिरने वाला, निखिल का हो गया बैंड, ब्लॉग हमने करा नहीं कंप्लीट, तो बीच में एडिट में आप देख लेना, और आप व्यू देखो सबसे पहले यहाँ का, thank you.
गाइस कैसे हो? आई थिंक सब बढ़िया हो गए। मौसम ना उत्तराखंड में इतना बढ़िया हो रहा है ना, इतना बढ़िया। बद्रीनाथ से जैसे हम निकले ना, वहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड थी ना, जिस वजह से हमें एक दिन ही वहाँ रुकना पड़ा। और हम ऋषिकेश की तरफ अब बस निकलने वाले हैं। अभी हम यहाँ पे ना एक चंपा करके, मेरे नाम अभी पूरा बोलना नहीं आ रहा, वहाँ पे हैं। वहाँ पे जैसे हमने स्टे किया है, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी तो हमें आसपास ही कहीं लेना था होटल, तो हमने वहाँ होटल लिया। और आपको ठंड क्या बताऊँ, इतनी ज़्यादा है ना यहाँ पर यहाँ पे थोड़ी सी कम है। और ना एक और चीज़, आप एक चीज़ दिखाऊँ आपको, पीछे का व्यू दिखाऊँ। और मेरे पीछे व्यू देखो कितना शानदार हो, देखो स्नो पीछे कितनी शानदार लग रही है ना। कैमरे से मैं, मेरा जो ब्लॉगिंग वाला लेंस है वो एक्चुअली बैग में पड़ा है, तो अभी जब फोटोज क्लिक करनी थी तो मैंने सोचा एक छोटा सा ब्लॉग बना के ना ये भी एडिट करके डाल दूंगा। निखिल नीचे गया हुआ है, निखिल को नीचे थोड़ा काम है, सो मैंने सोचा थोड़ा सा कर देंगे। अब क्वालिटी में आई थिंक आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ लोग गोप्रो से है, कुछ फ़ोन से निकाला है, कुछ DSLR से निकाला है। लेकिन सच्ची बताऊँ, मैंने लास्ट टाइम भी जब उत्तराखंड गया था ना, मेरे को प्यार हो गया था। इस बार तो मेरे को सच्ची में प्यार हो गया यार, इतनी प्यारी जगह है ना उत्तराखंड। मतलब यहाँ आओ ना तो आज जाने का दिल नहीं करता वापस। अब ऐसे करते हैं घर जाना है वापस, यार क्या करें। और ऑब्वियसली यार घर वालों को भी मिस कर रहा हूँ, कि वो होते तो और मज़ा आता। ये सडन एकदम से प्लान बना है, लेकिन क्या है यहाँ का जो व्यू है ना, मतलब मेरे तो वर्ड्स ही नहीं आ रहे कि मैं क्या बोलूँ आप लोगों को, कि मतलब इतनी प्यारी जगह है ना, इतनी ज़्यादा प्यारी। ये जो 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 उत्तराखंड आया है ना, वो तो साफ बताऊँ वो तो बता सकते हैं कि भाई साहब ये क्या बोल रहा हूँ, मेरे साथ वर्ड कुछ मिल ही नहीं रही है। और आपको ना एक बार कैमरा उल्टा करके दिखा, स्टॉप करके ना आपको कैमरा उल्टा करके दिखाता हूँ यहाँ का व्यू देखो। और हाँ, साइड बाय साइड में आपको फोटोज भी इस बार क्या करूँगा, ब्लॉग में ना फोटोज भी ऐड दिखाता रहूँगा, क्योंकि जो जो मैंने क्लिक करी है ना वो फोटोज भी आपको दिखाऊंगा। और दिल्ली भी आई थिंक हम आज रात को आई थिंक ऋषिकेश पहुंचेंगे, या फिर जिस हिसाब से देखते हैं किस हिसाब को, कि यहाँ से 10 घंटे हमें लगने वाले हैं, क्योंकि रास्ता बहुत लंबा है, 250 या 260 किलोमीटर है यहाँ से। सो वहाँ जैसे ही पहुँचेंगे ना फिर मैं आपको बताऊंगा, जैसे चलने वाले शायद पता नहीं मैं कंटिन्यू कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, बाकी फोटोज़ के राही मैं आपको बता दूंगा कि कैसा है क्या है क्या है। और खाना तो यहाँ पे तो ऑब्वियसली बहुत बढ़िया है। सो मिलते हैं। हाँ जी गाइस कैसे हो? आई थिंक साहब बढ़िया हो गए। एक्चुअली पता क्या हुआ है, मेरा टूर जो है ना वो होने लगा है ख़त्म। अब हम आगे ऋषिकेश, कल बद्रीनाथ से हम जो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था वहाँ पे हम पहुँच गए थे, और उसके बाद जो है ऋषिकेश में आके हमारा जो थोड़ा सा जब मतलब जर्नी है वो ख़त्म हो गई है। अब ये पीछे व्यू देख रहे हो, कितना शानदार लग रहा होगा। देखो ये पूरा गंगा का व्यू है, देखो कितना शानदार लग रहा है ना। और इस पूरी जर्नी में ना इतना मज़ा आया ना, इतना ज़्यादा मज़ा, मतलब थकान तो महसूस ही नहीं हुई है। मतलब जाके मत्था टेका है, सब कुछ किया है, बहुत बढ़िया हुआ है। तो फाइनली हमारा जो प्लान था वो बहुत बढ़िया हो गया, बद्रीनाथ के दर्शन बहुत बढ़िया हुए। अब आगे ऋषिकेश के बाद जो हमारा प्लान बना था ना वो भी बहुत बढ़िया हो गया। अभी खा पी लिया, पूरी नाश्ता का कर लिया सारा, उसके बाद जाके हमने नीचे अभी दर्शन करे हैं, और अभी जब डुबकी भी लगाई है। पानी इतना ज़्यादा ठंडा है ना। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं दिल्ली, आई थिंक 3-4 घंटे में पहुँच जाएंगे दिल्ली, उसके बाद हम जाएंगे अपने घर, और फिर अगले दिन से काम की हो जाएगी तैयारी। फिर जैसे ही चलते चलते होगा काम, फिर मिलेंगे हम आपको बाद में। सो जब तक के लिए ना चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ये मैंने पूरे व्लॉग में नहीं बोला, ये अब बोल रहा हूँ, चैनल को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और आगे शेयर कर देना। होप सो आगे मैं आपको ना और बढ़िया से बढ़िया आपको व्लॉग दिखाता रहूँगा। निखिल इतना ज़्यादा बिजी है ना, मतलब बिजी क्या, थोड़ा अलग ही है, फैमिली में चल रहा है वो, तो उस हिसाब से प्लान बन रहा है। सो व्लॉग पूरा देखना, होप सो आपको अच्छा लगेगा, इसमें बहुत नई नई चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। जब तक के लिए बाय, गुड नाइट बोलूँगा, अभी तो मॉर्निंग है, गुड मॉर्निंग। मिल लो इससे, मिल लो, ये वही है, देख लो इसको, साइन आउट कर दिया, ये वीडियो के आखिरी में डलेगा, चलेगा मुझे तो वैसे ही बाहर निकाला है, व्यू देखो क्या।
भाई क्या बोला था, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो।